नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ न्यू इंडिया अश्योरेंस के युवा भारत हेल्थ पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, ये प्लान एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि अगर आप किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के प्लान में भी देखेंगे तो वो नहीं मिलेंगे। तो आज मैं आपको इस प्लान की जानकारी देता हूं और बताता हूं कि इस प्लान के ऐसे इतने सारे फीचर्स हैं और उसके अंदर क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्लान का रिव्यू। सबसे पहले अगर मैं इस प्लान के बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके दोस्तों ये बेस बेनिफिट्स हैं जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लान आप अपग्रेड भी कैसे कर सकते हैं। तो बेस बेनिफिट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे जो सम इंश्योर्ड अवेलेबल है वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख और 50 लाख रुपए का आप ये प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। एंट्री एज की बात करें दोस्तों, तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है युवा भारत, यानी 18 साल से लेके 45 साल तक के जो यहाँ पे लोग हैं इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 46 या उससे ज़्यादा की हो गई है तो आप ये प्लान ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, बट आप ये आगे तक रिन्यू कर सकते हैं लाइफ टाइम तक, अगर आपने 18 साल की उम्र या 45 साल की उम्र में ये प्लान बीच में ले लिया है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, ये वो ऐसे खर्चे होते हैं जब आप अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे, यानी कुछ आपने पहले मेडिकल चेकअप कराए थे, डॉक्टर को दिखाया था या आपने कोई दवाइयाँ ली थी, तो उस तरीके के पहले के 60 दिन के खर्चे, और जब आप डिस्चार्ज होकर घर पर वापस आ गए हैं तो इसी तरीके के 90 दिन के खर्चे जो हैं आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में दिए जाते हैं। रूम रेंट लिमिट की बात करें दोस्तों, तो ये इसका एक सबसे यूनिक फीचर है कि आप यहाँ पे सिंगल एसी प्राइवेट रूम ले सकते हैं अगर आपके पास 15 लाख रुपए तक की पॉलिसी है। मतलब अगर आपके पास 5 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख की पॉलिसी है, 15 लाख की पॉलिसी है, तो आपको सिंगल एसी प्राइवेट रूम मिलेगा। जबकि आप पहले की पॉलिसीज के अंदर आप देखते आ रहे थे कि वहाँ पे 1% 2% के रूम रेंट की लिमिट हुआ करती थी, यहाँ पर कंपनी ने डायरेक्टली सिंगल एसी प्राइवेट रूम जो है आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया है। इसी तरीके से अगर आपकी पॉलिसी 25 लाख या 50 लाख की है तो यहाँ पर आप डिलक्स एसी रूम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक फीचर है कि एक PSU यानी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आप ये ऐसे ऑप्शंस देख रहे हैं। सेम विद ICU रेंट लिमिट के, यहाँ पे आप ICU रेंट की भी जो है यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, बल्कि दूसरे प्लान्स के अंदर आप देखेंगे तो कैपिंग होती थी। प्रोपोर्शनल डिडक्शन की बात करें दोस्तों, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर मान लीजिए आपकी जो पॉलिसी है वो सिंगल रूम जो है सपोर्ट करती है, लेकिन आपने डिलक्स रूम लिया है या स्वीट लिया है या और भी कोई हायर कैटेगरी का रूम लिया हुआ है आपने, तो जो भी खर्चों का डिफरेंस होता है, जैसे कि डॉक्टर की फ़ीस हो गई या आपके कोई सर्जरी के चार्जेस हो गए, नर्सिंग फ़ीस हो गई, तो वो जो भी डिफरेंस होगा वो आपसे यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। इसको प्रोपोर्शनल डिडक्शन बोलते हैं। ऑटोमेटिक रीन स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, इसको आप रीस्टोर भी बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे वो एक बार मिलेगा पॉलिसी के अंदर, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो सेम पर्सन उस सेम इलनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आती है और दोबारा से ये हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके लिए रीस्टोर ये काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर कोई और प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है या कोई सर्जरी और आ जाती है, तो आपको यहाँ पर उसका क्लेम मिल जाएगा। जोन वाइज प्रीमियम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जोन वाइज प्रीमियम है, जोन वन का और जोन टू का। अगर आपने कोई जोन वन का प्रीमियम लिया है तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी ट्रीटमेंट आराम से करवा सकते हैं, लेकिन जोन टू का प्रीमियम कम है। अगर आप जोन टू का प्रीमियम ऑप्ट करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए जोन वन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे 10% का कोपेमेंट देना पड़ेगा। कोपेमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका बिल आया है तो 10% वहाँ पे आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, यानी 10,000 रुपए। कंपनी यहाँ पे आपको सिर्फ 90,000 रुपए का ही क्लेम सेटल करेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन के बारे में, यानी आप ये पॉलिसी कब तक रिन्यू करा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन यही है कि आप लाइफ टाइम तक रिन्यू कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने पॉलिसी 45 साल से पहले खरीदी हो। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट भी है दोस्तों, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी की पॉलिसीज में ये ऑप्शन नहीं मिलता है, बट ये इनबिल्ट फीचर है यहाँ पे, आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। अगर आपने यहाँ पे 15 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको 500 रुपये पर डे मिलेगा, 25 लाख की पॉलिसी पे 750 रुपये पर डे और 50 लाख की पॉलिसी पे आपको 1,000 रुपये पर डे मिलेगा, और ये मैक्सिमम 5 दिन तक मिलता है। अगर मान लीजिए किसी की हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन की हुई और वहाँ पे उन्होंने 25 लाख रुपये का प्लान ले रखा था तो यहाँ पर आपको 3,750 रुपये मिल जाएंगे।
एम्बुलेंस चार्जेस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 15 लाख की पॉलिसी में आपको 5,000 रुपये, 25 लाख की पॉलिसी में 7,500 रुपये और 50 लाख की पॉलिसी में 10,000 रुपये आपको यहाँ पे एम्बुलेंस चार्जेस मिलेंगे। और ये दोस्तों पर इवेंट है, मतलब एक हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर आपको ये चार्जेस मिल जाएंगे। ट्रीटमेंट फॉर कंजेनाइटल डिजीज़, मैं आपको दोस्तों कह रहा था ना कि इस प्लान के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो आपको प्राइवेट कंपनीज में भी नहीं मिलेंगे। मतलब ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कंजेनाइटल डिजीज़ को भी कवर करती है, मतलब जन्मजात बीमारियाँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटरनल डिजीज़ है, मतलब जो दिखाई नहीं दे रही है, शरीर के अंदर है, तो यहाँ पे आपको 12 महीने का यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड है। तो उसके बाद आप अप टू सम इंश्योर तक उस कंजेनाइटल डिजीज़ का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर यही कोई कंजेनाइटल एक्सटर्नल डिजीज़ मिलती है तो यहाँ पे आपको 24 महीने का वेटिंग पीरियड हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ सम इंश्योर का 10% तक का ही आपको इलाज का खर्चा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कैटरेक्ट की लिमिट की। अगर मान लीजिए आपको कैटरेक्ट की ज़रूरत पड़ती है यानी मोतियाबिंद की, तो अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख रुपए तक है तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपए पर आई के दिए जाएंगे। अगर आपकी पॉलिसी 25 लाख रुपए की है तो 75,000 रुपए मिलेंगे, और अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख रुपए की है तो 1 लाख रुपीज़ पर आई आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। दोस्तों नो क्लेम बोनस जो है यहाँ पे 10% है और ये आपको जो है क्लेम फ्री ईयर में मिलता है, और मैक्सिमम जो जाएगा वो 30% तक जाएगा। कवरेज फॉर हजार्डियस स्पोर्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई भी हजार्डियस स्पोर्ट, मतलब जो भी कोई भी खतरे वाला स्पोर्ट्स होता है, जैसे कि बंजी जंपिंग हो गई, स्कूबा डाइविंग हो गई, या और भी कोई ऐसे खतरनाक स्पोर्ट्स करते हुए अगर चोट लग जाती है और उसकी वजह से यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होती है, तो आपको यहाँ पे 5 लाख रुपये से 15 लाख तक की पॉलिसी में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलेगा, मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का कवरेज। और अगर आपकी 25 लाख रुपए की पॉलिसी है तो आपको यहाँ पे 1.5 लाख का कवरेज मिलेगा, और आपकी 50 लाख की पॉलिसी है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख रुपए का जो है ट्रीटमेंट का खर्चा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए दिया जाएगा। स्पेसिफिक कवरेज की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी कुछ स्पेसिफिक कवरेज हैं जो इस पॉलिसी को यूनिक बनाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस हो गया, या यहाँ पे आपकी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है ना, या ट्रीटमेंट हो गया मेंटल इलनेस का। इन सब की कुछ लिमिट्स है और कुछ वेटिंग पीरियड्स भी हैं। अगर आप पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़ेंगे या इसका जो प्रॉस्पेक्टस है वो डाउनलोड करके पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे वो है बीमारी के हिसाब से वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर ये देख सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट और प्रोसीजर की बात करें दोस्तों, तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पर भी उसकी एक लिस्ट अवेलेबल है, और साथ ही यहाँ पे भी कुछ लिमिट्स है कि इस बीमारी के लिए इतना मिलेगा, इस बीमारी के लिए इतना मिलेगा, तो वो भी आप जो है जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी कवरेज है कि आपके पास इतने का प्लान है तो आपको इतना ही बेनिफिट मिलेगा मॉडर्न ट्रीटमेंट में। दोस्तों मॉडर्न ट्रीटमेंट ये होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए रोबोटिक सर्जरीज हो गई, बलून साइनोप्लास्टिक हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न एडवांस ट्रीटमेंट हैं जिसके खर्चे जो है आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है कवर करती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप। तो दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर आपको हेल्थ चेकअप भी अवेलेबल है, जिसके अंदर 15 लाख की पॉलिसी अगर आपके पास है तो आप 3,500 रुपये के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले सकते हैं, 25 लाख की पॉलिसी है तो आप 5,000 रुपये के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले सकते हैं, और इसी तरीके से 50 लाख रुपये की पॉलिसी है तो आप 7,000 रुपये के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। मेडिकल सेकेंड ओपिनियन की बात करूँ दोस्तों, तो अगर आपको मान लीजिए कोई सर्जरी है या कोई क्रिटिकल इलनेस हुई है और आप चाहते हैं कि जो जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उनकी जगह मैं किसी और भी डॉक्टर को दिखाना चाहता हूं, किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहता हूं, तो आपको उसका भी यहां पे कवरेज मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख रुपए की है तो आप 5,000 रुपए तक सेकंड ओपिनियन के लिए यहां पे रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। इसी तरीके से 25 लाख की पॉलिसी पे 7,500 रुपये और 50 लाख की पॉलिसी पे आप 10,000 रुपये ले सकते हैं दोस्तों। न्यूबॉर्न बेबी कवरेज की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी इस प्लान को बहुत यूनिक बनाता है कि अगर मान लीजिए कोई लेडी है या मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं और उन दोनों ने ये प्लान ले रखा है और ये प्लान 2 साल पुराना हो गया और उनकी फैमिली में कोई नए बच्चे ने जन्म लिया है, लेकिन जन्म लेने के साथ ही उसको जो है कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उसको एडमिट किया जाता है, तो दोस्तों वो भी यहाँ पे कवर होगा, जबकि वो इस पॉलिसी का पार्ट था ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे उस न्यू बॉर्न को जो है कवर किया जाएगा, बशर्ते कि वो जो उनकी मदर हैं वो 2 साल से जो है इसी प्लान की कंटिन्यूटी में कवर्ड हों। आयुष ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी जो है इस प्लान को काफ़ी यूनिक बनाता है कि
जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट आपको हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान दिया जाता है तो वो भी यहाँ पे जो है सम इंश्योर तक कवर किया जाएगा। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकम टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि अंडर सेक्शन 80D में आपको मिलता है। क्लेम सेटलमेंट की बात करें दोस्तों, तो वो यहाँ पे टीपे के थ्रू सेटल किए जाते हैं, यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे जो भी क्लेम होंगे आपके वो उनके थ्रू यहाँ पे सेटल किए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम गोल्ड प्लान की। अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो आपसे बात कर रहा था मैं बेस प्लान की। अगर आपने गोल्ड प्लान लिया है तो बेस प्लान के सारे फीचर्स तो कवर होंगे ही होंगे, साथ में ये वाले फीचर आपको एडिशनल मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्रिटिकल केयर बेनिफिट की बात करते हैं हम, तो ये क्रिटिकल इलनेस प्लान जो है दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि इनबिल्ट है अगर आपने गोल्ड प्लान लिया है। तो इसके अंदर 12 महीने का एक वेटिंग पीरियड रहेगा। अगर आपकी 15 लाख की पॉलिसी है और जो भी क्रिटिकल इलनेस यहाँ पे डिजीज़ की लिस्ट है उसमें से कुछ भी अगर आपको डायग्नोस होता है तो आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। ये हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज नहीं है दोस्तों, हॉस्पिटलाइजेशन तो आपको मिलेगी मिलेगी उस बीमारी की, ये एडिशनल 1 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में सेटल किया जाएगा। इसी तरीके से 25 लाख की पॉलिसी पे 1.5 लाख रुपया और 50 लाख की पॉलिसी पे 2.5 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट की बात करते हैं आप, पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर जो होगा जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है, मान लीजिए आपने कोई 15 लाख की पॉलिसी ली हुई है, तो यहाँ पर आपको 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिलेगा। यानी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है जिसने प्लान ऑप्ट कर रखा है, तो वहाँ पे 15 लाख रुपए जो है उनके परिवार को दिए जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे PTD भी कवर है, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अगर वो भी हो जाता है तो वो भी आपको उसी का हिसाब से यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। और ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड में काम करता है, ना कि सिर्फ इंडिया में। अगर मान लीजिए आप इंडिया से बाहर थे और वहाँ पे भी कोई एक्सीडेंटल डेथ या आपकी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, तो वो भी जो है इस प्लान के अंदर कवर किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस चार्जेस की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एयर एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अगर आपकी 15 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 50,000 रुपए, 25 लाख की पॉलिसी है तो 75,000 रुपए और 50 लाख की पॉलिसी पे 1 लाख रुपए आपको एयर एम्बुलेंस के यहाँ पर दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक अलग से फीचर ऑटोमेटिक अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं ऑटो टॉपअप। ऑटो टॉपअप क्या करता है, मान लीजिए जब भी आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर 10% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और इलाज का यहाँ पे पैसा खत्म हो गया है, तो कंपनी जैसे ही खत्म होगा आपका ये प्लान, कंपनी इसके अंदर 1.5 लाख रुपया और ऐड कर देगी। तो ये टॉपअप जो है आपका ऑटोमेटिक ऐड हो गया, और ये सेम पर्सन सेम इलनेस के ऊपर भी काम करता है। मतलब यहाँ पर आपको अब जो 15 लाख का कवरेज था उसके साथ 1.5 लाख रुपया एडिशनल यहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अभी तक हमने डिस्कस किया बेस प्लान प्लस गोल्ड प्लान, अब आ जाते हैं हम प्लेटिनियम प्लान पे। अगर आप ये प्लेटिनियम प्लान ऑप्ट करते हैं तो आपको गोल्ड प्लान के भी सारे फीचर मिलेंगे, प्लस आपको बेस प्लान के भी सारे फीचर मिलेंगे। ये प्लान में एडिशनल जो है अब ये फीचर्स आपके ऐड हो जाएंगे, जैसे कि मैटरनिटी कवरेज। मैटरनिटी कवरेज मतलब आपका जो मैटरनिटी होनी है यहाँ पर, यानी जो भी आपने बेबी प्लान किया है, तो अगर आपकी पॉलिसी लिए हुए 24 महीने हो गए हैं तो यहाँ पे आपको 25,000 रुपये मिलेंगे सिंगल बेबी के लिए, और अगर आपके जुड़वा बच्चे होते हैं तो वहाँ पे आपको 37,500 रुपये मिलेंगे। आप इस लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा यार ये लिमिट तो बहुत कम है, आजकल खर्चे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको जो है ये एक ऑप्शनल कवरेज है, इसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप 50,000 से, 75,000 से, 1 लाख रुपए से इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। मतलब जो 25,000 की मान लीजिए पहले लिमिट थी और आपने एक ऑप्शन ले लिया 1 लाख रुपए का, और तो टोटल आपकी लिमिट हो गई 1,25,000 की। तो 1,25,000 आज के हिसाब से सफिशिएंट है एक मैटरनिटी कवरेज के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और सेम 24 महीने का जो वेटिंग पीरियड है दोस्तों, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, अभी तक बहुत ही कम पॉलिसीज मैंने देखी हैं जिसके अंदर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी होता है, तो दोस्तों वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे वो OPD ट्रीटमेंट के लिए भी अवेलेबल है। मतलब जहाँ पे आपकी 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है और वहाँ पे आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो 15 लाख की पॉलिसी में 50,000 रुपये, 25 लाख की पॉलिसी में 75,000 रुपये और 50 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपये इनफर्टिलिटी के आपको यहाँ पर दिए जाएंगे।
और बात करते हैं दोस्तों प्लेटिनम प्लान के लिए ही, यहाँ पर एक वेल बेबी कवर भी है। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी आपका बच्चा जिसका जन्म हुआ वो प्री मेच्योर है, यानी 32 वीक से पहले अगर वो पैदा हो जाता है तो यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर वो प्री मेच्योर माना जाएगा। और इसके भी अगर बच्चे की यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो यहाँ पर दोस्तों उसके लिए भी जो है यहाँ पे 15 लाख की अगर पॉलिसी है तो आपको 30,000 रुपये, 25 लाख की पॉलिसी पे 40,000 रुपये और 50 लाख की पॉलिसी पे 50,000 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए बच्चे को सिर्फ 12, 13, 14 घंटे के लिए किसी ऑब्जर्वेशन में रखा या थोड़ी देर के लिए रखा तो वो ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। मिनिमम 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो वो भी इस प्लान को काफ़ी यूनिक बनाता है, तो आपको वो भी यहाँ पे मिलेगा। ये भी आपको जो है न्यू बॉर्न जब होगा आपका तो उसके 2 साल तक, अगले 2 साल तक आपको कवर किया जाएगा। ये दोस्तों आपको मिलेगा 0.10% ऑफ सम इंश्योर्ड। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की थी तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए जो है आपको वैक्सीनेशन के भी यहाँ पे रिम्बर्स किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक और अलग से यहाँ पे फीचर है जिसको बोलते हैं बर्थ राइट बेनिफिट। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है और उसको कोई भी ऐसी डायग्नोसिस होती है जैसे कि ऑटिज्म हो गया, ठीक है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ये अगर डायग्नोस हुआ है 0 से 6 साल की उम्र में, या फिर आपका कैरेब्रल पाल्सी है 0 से 4 साल की उम्र में डायग्नोस हुआ है, या डाउन सिंड्रोम हो गया ये भी 0 से 4 साल की उम्र में अगर डायग्नोस हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक लमसम बेनिफिट अलग से दिया जाएगा जो कि 15 लाख की पॉलिसी में 30,000 रुपये है, 25 लाख की पॉलिसी में 40,000 और 50 लाख की पॉलिसी के अंदर 50,000 रुपया मिलेगा। दोस्तों अभी तक हमने जो बात करी है ये सारे हमने प्लान के बारे में बात करी है कि इस प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्लान के अंदर क्या डिस्काउंट मिलेगा आपको, क्या लोडिंग्स होंगी। लोडिंग्स मतलब आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आपके साथ ये सिचुएशन है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फ्लोटर पॉलिसी डिस्काउंट के बारे में। दोस्तों अगर आपने ये पॉलिसी इंडिविजुअल ना लेकर फ्लोटर ली है तो जो इंडिविजुअल का प्रीमियम आ रहा था आपका उससे ये पॉलिसी डिस्काउंटेड हो जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए किसी का प्रीमियम 1% का 100 रुपये आ रहा था और अब जो है 2 मेंबर का अगर आप ले रहे हैं तो जो भी 2 लोगों का प्रीमियम बनता है 200 रुपया, वो 200 चार्ज नहीं होगा, वहाँ पे आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 3 मेंबर यहाँ पर हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक फैमिली के 4 मेंबर्स ने एक साथ पॉलिसी ली है और उसी पॉलिसी को जो है वो फ्लोटर में चूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों BMI की बात करते हैं, बॉडी टू मास इंडेक्स, ये आपका जो है शरीर का वजन दिखाता है आपकी हाइट के हिसाब से कि आपकी हाइट कितनी है और आपका वजन कितना है। तो यहाँ पर जिनका भी BMI 32 से कम का होगा तो उनको यहाँ पे 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जानना चाहता है कि मेरा BMI कितना है तो आप गूगल पे जाके गूगल कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डालना होगा BMI कैलकुलेटर। आप अपना हाइट और वेट डालेंगे तो आपका वहाँ पे BMI लिखकर आ जाएगा। अगर आपका वहाँ पर BMI 32 से नीचे है तो 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आपका 32 से ऊपर जा रहा है BMI तो आपको यहाँ पे 2.5% की लोडिंग भी चार्ज हो जाएगी। मतलब आपका जो भी प्रीमियम कैलकुलेट होकर आ रहा था उससे 2.5% एक्स्ट्रा आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। नॉन डायबिटिक की बात करते हैं, कोई भी पर्सन है अगर वो नॉन डायबिटिक है यानी उसका HbA1c जो कि 6.4 से नीचे आ रहा है तो आपको 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका HbA1c जो है 6.4 से ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे 2.5% की लोडिंग लग जाएगी। HbA1c दोस्तों एक आपका टेस्ट होता है जिसके अंदर 3 महीने की एवरेज आपकी ब्लड शुगर जो है नापी जाती है। BP की बात करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे हम नॉन हाइपरटेंसिव की बात करते हैं, अगर यहाँ पे आपका BP 120 है ऊपर वाला और नीचे वाला 80 है तो आप यहाँ पे जो है 2.5% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 120 और 80 की लिमिट से कम होना चाहिए आपका। अगर ये लिमिट आपकी ज़्यादा जा रही है यानी आपका ऊपर वाला BP 139 से ज़्यादा है और नीचे वाला BP 89 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे 2.5% की लोडिंग भी पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी मान लीजिए यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन लास्ट 3 साल के अंदर हुई ही नहीं है कोई भी तो वो भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 2.5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। एक फीचर और है दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप पहले से ही न्यू इंडिया के कस्टमर हैं और आपके पास पुरानी कोई पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 5,000 रुपये से ज़्यादा जा रहा है, चाहे वो आपकी मोटर की पॉलिसी हो सकती है,
या फिर आपने कोई पर्सनल एक्सीडेंटल की इंश्योरेंस हो सकती है, या कोई और भी आपने अपने घर की पॉलिसी करा रखी है, अगर आपकी कोई भी ऐसी पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 5,000 रुपये से ज़्यादा का है तो भी आपको यहाँ पे 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ एक्सक्लूजन्स की, कि ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं यहाँ पर जिसकी वजह से आपको क्लेम या तो डिले मिलेगा या आपको क्लेम इन कंडीशंस में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कोई भी आपके पास बीमारी है, जैसे कि आपने कोई भी बीपी, शुगर, थायराइड या और भी कोई बीमारी आपने जो है यहाँ पे मेंशन की थी, तो यहाँ पे उसका 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा, वो 2 साल के बाद ही कवर होगी। कुछ दोस्तों स्पेसिफिक डिजीज होती हैं जैसे कि कैटरैक्ट, हर्निया, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्टोन, तो ये दोस्तों यहाँ पर सारी जो हैं वो 1 साल के बाद यहाँ पे वो कवर हो जाएंगी। दोस्तों, पहले 30 दिन का यहाँ पे आपको कोई भी जो है क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्सीडेंटल कवरेज का क्लेम दिया जाता है, उसके अलावा कोई भी आपको क्लेम नहीं पे किया जाता है। ये सब लगभग सभी पॉलिसीज़ में होता है। दोस्तों, 90 डेज़ का यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड रहेगा स्पेशल, जो डायबिटीज़ के क्लेम्स हैं या हाइपरटेंशन के क्लेम हैं या कार्डिक कंडीशन यानी हार्ट से रिलेटेड के अगर कोई भी क्लेम आते हैं तो पहले 90 दिन के अंदर ये क्लेम पे नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, 2 साल का यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड रहेगा मैटरनिटी कवर के लिए, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर आपको कोई मैटरनिटी कवर लेना है तो आपको पहले 2 साल का वेटिंग पीरियड यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे कुछ 2 साल का एक वेटिंग पीरियड है जिसमें ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो गया, एज रिलेटेड कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस हो गया, इसकी भी एक लिस्ट है दोस्तों, तो वो भी आप पॉलिसी वर्डिंग्स में जाकर देख सकते हैं। तो 2 साल के बाद ये बीमारियां भी आपकी कवर हो जाएंगी। दोस्तों, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी अगर कराई जाती है और यहाँ पर उसका कोई भी रीज़न नहीं है, अगर ये कैंसर और एक्सीडेंट की वजह से है तो आपको यहाँ पर उसका कवरेज दिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर कवरेज उसका नहीं मिलेगा आपको। अगर दोस्तों इसके बारे में आपको और भी कुछ जानना है, और डिटेल में जाके आपको इसकी टर्म एंड कंडीशंस पढ़नी है, तो आप जो है इसकी पॉलिसी वर्डिंग्स जो है मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है इस प्लान से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये प्लान खरीदना भी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से बाय कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये प्लान आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर लगभग देता ही रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्लान अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सचिन वर्मा, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।